नमस्कार मित्रों, 60th एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री परसराम भीमन दास जयपुर। पहला, कुछ वर्ष पहले जयपुर की बात है। सेठ हरिराम, सेठ विशन दास तथा अन्य कई स्वामी जी के प्रेमी उन्हें छोड़ने हेतु रेलवे स्टेशन आए हुए थे। स्वामी जी प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा करते थे। जब रेल आई तब उस डिब्बे से यात्री उतरे। स्वामी जी रेल में चढ़ने लगे तो अंदर से एक मिलिट्री ऑफिसर ने जोर से गुस्से में कहा, मैं उतरा ही नहीं हूं, तुम क्यों चढ़ रहे हो। स्वामी जी ने उसे कुछ नहीं कहा, वापस उतर गए। मिलिट्री ऑफिसर उतर गया तो फिर स्वामी जी डिब्बे में चढ़े। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना बड़ा अफसर और इतना असभ्य। मैं स्वामी जी के चेहरे की ओर देख रहा था परंतु स्वामी जी उसी शांत अवस्था में थे जैसे हमेशा होते थे तथा उनके मुख पर वही मधुर वाणी थी। मैं समझ गया कि संत हो तो ऐसे। शाह साहब ने भी फरमाया है, हू चवणी तू मा चव वातू वराय। करीब 2 वर्ष पहले जयपुर स्थित गोविंद देव मंदिर के सेवाधारियों ने ऋषिकेश के जगतगुरु मंडलेश्वर वेदांत आचार्य श्री स्वामी प्रकाशानंद महाराज को चतुर्मास करने के लिए बुलाया था। उस समय स्वामी लीलाशाह भी गीता भवन में ठहरे हुए थे। हमने स्वामी जी को बताया कि मंडलेश्वर महाराज अपने शिष्य को नित्य विवेक चूड़ामणि तथा अंत वेदांत ग्रंथों का अभ्यास करवाते हैं। यह सुनकर श्री वीरभान सागर व शिष्यों के साथ स्वामी जी गोविंद देव मंदिर में आचार्य से मिले। यह दृश्य देखने लायक था। हमारे स्वामी जी मर्यादा अनुसार मंडलेश्वर महाराज के चरण छूने ही वाले थे, उससे पहले ही मंडलेश्वर महाराज ने उन्हें अपने पास में आसन पर बिठा दिया। स्वामी जी विराजमान हुए तो मंडलेश्वर महाराज ने कहा कि आज आपके मुखारवंद से ही सुनेंगे। स्वामी जी ने स्वयं ही शंका समाधान किया। उसके बाद मंडलेश्वर महाराज को मंदिर के सेवाधारी बाहर तक छोड़ने आए तो उनके साथ स्वामी जी भी बाहर तक आए। जब मंडलेश्वर महाराज विदा लेकर बग्गी में चढ़ने के लिए स्वामी जी से आज्ञा ली तो स्वामी जी ने झुककर अपने दोनों हाथ मंडलेश्वर के चरणों पर रख दिए थे। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज, मर्यादा के मालिक।